विकासनगर तहसील के स्कूल में 4 साल के मासूम को शिक्षिका ने बेरहमी से पिटाई की। शिक्षिका ने छात्र के पैरों पर लगातार मारा, जिससे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका ने बच्चों के पैरों पर मारा तो नीला पड़ गया। वहीं मासूम के हालात देख परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन टीचर को बचाने की कोशिश में जुटा रहा। देहरादून से जॉय सिंह बिस्ट की रिपोर्ट। मामला ये था कि हम 1 बजे लेने गए थे बच्चों को। बच्चे ने मेरे को कुछ नहीं बताया कि मेरा ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, कुछ नहीं बताया। जब हम क्या नाम घर पे गए, उसके कपड़े उतारे, तो क्या नाम है, वह बच्चे के पैर में देखा था बिल्कुल सूज रखा था, दोनों पाँव बिल्कुल लाल हो रखा था, नीला पड़ा था पूरा। फिर उसके बाद हम स्कूल में गए। स्कूल में जाके कैसे पता लगा स्कूल में बच्चे को मारा गया? स्कूल में बच्चे ने बताया वहाँ पर, जब हमने पूछा कि ये कौन सी मैडम ने मारा, तो तानिया मैडम ने मारा है। विकास वैली जूनियर हाई स्कूल का बताया, अभी मेरे संज्ञान में आया ये, जो भी वीडियो देखी मैंने, तो वास्तव में बड़ी वैसी है ये, और इस तरह का जो व्यवहार है बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी है अध्यापक या प्रधानाचार्य, जांच करेंगे, कार्रवाई करते हैं। आज 112 में सूचना आई थी कि एक स्कूल की अध्यापक ने एक बच्चे के साथ मारपीट की है, तो इस पर मौके पे पुलिस गई थी, तो जो अध्यापिका थी उन्होंने थोड़ा बच्चे के साथ मारपीट कर दी थी, जिसमें उसको थोड़ी हल्की फुल्की चोटें आ गई थी। बाद में परिजन और उनके बीच में वो हो गया था कि बच्चे ने थोड़े मिसबिहेव किया था, इसलिए उसे उसकी पिटाई कर दी। दोनों पार्टियों को समझौता हो गया था।